लेडीज़ एंड जेंटमैन आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड एथिक्स के डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे और फिर एथिक्स वर्ड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस भी बनाएंगे तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल दोस्तों जब हम सिंपली एथिक्स की बात करते हैं तो हमारा मीनिंग होता है आचार विचार या फिर इखलाकियात कि आपने अच्छा काम किस्सा करना है लेकिन एथिक्स यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता एथिक्स एक फील्ड ऑफ स्टडीज़ भी है जिसमें हम मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि अच्छे काम कौन से हैं बुरे काम कौन से हैं और आप ये समझ लें कि एथिक्स जो है ये फिलॉसफी का एक पार्ट है फ़लसफे का एक पार्ट है जिसमें हम डिफरेंट डिस्कशंस करते हैं कि भाई अच्छाई क्या है बुराई क्या है किस सिचुएशन में कौन सा अच्छा काम होता है और किस सिचुएशन में कौन सा बुरा काम होता है और इसी तरह जो फील्ड अगर हम एथिक्स की फील्ड ऑफ स्टडीज़ की बात करें तो फिर डिफरेंट प्रोफेशंस में एथिक्स के कोड्स हैं जिस तरह अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस एथिक्स का एक पूरा सब्जेक्ट होता है जिसमें बताया जाता है कि बिजनेसेस को एथिकली एक्ट किस्सा करना है जैसा एक फैक्ट्री है तो ये तो नहीं है कि वो जो है वो आ, गन जो है वो पानी में मिलाई जा रही है या फिर जब हमने किसी को हायर करना है तो किस तरह काम करना है तो ये चीज़ें हम फिर बिजनेस एथिक्स में बात करते हैं इसी तरह कंप्यूटर एथिक्स की भी बात होती है कि जब हमने कम्प्यूटर्स को यूज़ करना है तो फिर हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान ना हो इसके अलावा कंप्यूटर एथिक्स में प्रोफेशनल एथिक्स भी आ जाती है कि जो आई प्रोफेशनल्स हैं उनको किस तरह काम करना चाहिए इसी तरह बिजनेस इंजीनियरिंग एथिक्स है और एथिक्स के डिफरेंट फील्ड्स हैं तो सिंपली हमने देखा कि एथिक्स जो है वो आचार विचार को कहा जाता है अखलाकियात को कहा जाता है लेकिन जब हम इसे ब्रॉड करके देखते हैं तो ये एक फ़ील्ड ऑफ स्टडीज़ है फ, और ये फ़िलोसफी का पार्ट है और इसके फिर डिफरेंट नीचे बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं चलें अब वर्ड एथिक्स को यूज़ करते हुए हमें हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जिसका हम कहते हैं कि यू शुड Follow the code of ethics of our organization. कि आपको हमारे जो एथिक्स के कोड हैं उन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स के कोड हैं उनको फॉलो करना चाहिए यू शुड फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं एक और सेंटेंस बनाते हैं कि एथिक्स अगर हम लेट सपोज एथिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं एथिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडीज़ ऑफ राइट एंड रोंग मॉरल कॉन्डक्ट क्यों एथिक्स के जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं वो सही और गलत क्या होता है उसके बारे में है एथिक्स इज अ फील्ड ऑफ स्टडीज ऑफ राइट एंड रोंग मॉरल कॉन्डक्ट्स एक और सेंटेंस बना लेते हैं जिसका हम कह सकते हैं कि ही लेफ्ट द प्रोजेक्ट ओवर एन एथिकल इशू भी कह सकते हैं या ओवर एन ओवर आ पर्सनल एथिक्स ओवर आ पर्सनल एथिक्स इशू पर्सनल एथिक्स कह सकते हैं uh, कि उसने प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्योंकि उसका शायद कोई प्रोजेक्ट में उसे बुरा काम करने को कहा जा रहा हो कोई गलत काम करने को कहा जा रहा हो लेकिन उसकी पर्सनल एथिक्स ने उसकी ज़ाती एथिक्स ने उसको uh, जो है वो अलाउ ना किया हो इसलिए उसने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया अभी हमने एथिक्स से रिलेटेड हमने कहा था कि बेसिकली एथिक्स से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स होते हैं जो एथिकल के एथिकल बिहेवियर क्या होता है वो एथिक्स से निकला है कि एथिकल काम क्या होगा कि अगर आपने लेफ़्ट जाना है या राइट right जाना है या आपके पास कोई ऐसा स्टेशन आ गया जिसमें आपने कोई डिसीजन लेना है तो वो सही एथिकल डिसीजन क्या होगा और नॉन एथिकल डिसीजन या अनएथिकल डिसीजन uh, क्या होगा मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि एथिक्स और लॉ में काफ़ी फ़र्क होता है कुछ चीज़ें लीगल होती हैं लेकिन शायद वो एथिकल ना हों और कुछ चीज़ें एथिकल होती हैं आ, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में शायद वो लीगल ना हों तो एथिक्स जो है वो मॉरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करता है बजाय इसके कि लीगल वैल्यूज़ पे फोकस करे तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन उम्मीद है कि आपको अब पता चल गया होगा कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं और आ, ये बहुत बड़ा फील्ड ऑफ स्टडीज़ है और इस छोटे से ट्यूटोरियल में हम पूरा कवर भी नहीं कर सकते अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक like का बटन जरूर प्रेस करें वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आ, मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग Keep enjoying. Good day.